काफी सारे लोगों को बेवकूफ.com से टी शर्ट खरीदते वक्त साइजिंग की प्रॉब्लम जरूर आती है। एम साइज लें या एल साइज लें, या ऐसा कौन सा साइज लें जो आपकी बॉडी पे एकदम करेक्ट फिट हो। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ये वीडियो आपकी साइजिंग इश्यूज को एकदम सॉल्व कर देगा। साइजिंग के लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसे कि आप यहां आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। बेवकूफ.com की साइजिंग को अच्छे से समझने के लिए हमें यहां पे दो पार्सल रिसीव हो चुके हैं। इस पार्सल में है एम साइज और इस पार्सल में है एल साइज। तो हम इन दोनों पार्सल्स को खोलेंगे और सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इनमें हमें क्या कुछ रिसीव हुआ है और हम इनकी साइजिंग के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम खोलते हैं एल साइज, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो हमें मिल जाता है एक टी शर्ट, और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेवकूफ एक फ्रीबी भी हमेशा भेजता है, तो ये फ्रीबी हमें इस बार रिसीव हुआ है। ये कीचेन है, ये ऐसा कुछ फ्रीबी हमें मिला है इस बार, और ये वो टी शर्ट है जो हमें रिसीव हुई है। अपना टाइम आएगा, दिस इज द एल साइज जो हमें रिसीव हुआ है, अपना टाइम आएगा। तो काफी चल रहा है ये अपना टाइम आएगा, गली बॉय से काफी फेमस हो गया अपना टाइम आएगा। तो ये जो है ये फर्स्ट टी शर्ट है, इसका साइज है एल साइज। और अब हम देखते हैं हमें एम साइज में क्या मिला है। तो एम साइज में जो टी शर्ट है वो है ये, और इसमें भी फ्रीबी है, इसमें भी हमें एक कीचेन ही रिसीव हुआ है। हमारे पास इस बार दो कीचेन्स आ गए हैं, और इसमें कुछ और भी है। अच्छा, हमें इस बार दो फ्रीबीज रिसीव हुए हैं। एक बेवकूफ का बैंड है, ये हैंड बैंड, आइए इसे पहन लेते हैं। और तो हमारी सेकंड टी शर्ट जो है वो है ये वाली, ये एम साइज है, तो इसे भी देख लेते हैं। ये है चाह प्रेमी, और इसका साइज जो है वो है एम साइज। तो ये जो दोनों टी शर्ट्स है, अभी हम इसकी साइजिंग पर डिस्कशन करेंगे। बेवकूफ.com टी शर्ट की साइजिंग आपके चेस्ट के मेजरमेंट के बेसिस पे करता है। आपको एक चार्ट दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पर, तो अगर आपके चेस्ट का मेजरमेंट 35 टू 36 इंचेस के बीच में है तो आपको एस साइज लेना चाहिए। 37 टू 38 इंचेस के बीच में है तो एम साइज लेना चाहिए। 39 टू 40 इंचेस के बीच में है तो आपको एल साइज लेना चाहिए, और इसी तरह से आप अपने बाकी के साइजिंग चूज कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों के लिए बेवकूफ.com की साइजिंग गाइड को बहुत ही आसान कर देने वाला हूं। अगर आपकी हाइट 4.5 फुट या उससे नीचे है और आपका बॉडी टाइप स्लिम है तो आप एस साइज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े हेल्दी हैं और आपकी हाइट 4.5 है या उससे नीचे है तो आप एम साइज भी ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपकी हाइट 4.5 से लेके 5.5 फुट के बीच में है और आपका बॉडी टाइप स्लिम है तो आप एम साइज के लिए जाइए, आपके बॉडी पे वो बहुत ही अच्छे से सूट करेगा। लेकिन अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो आप एल साइज के लिए भी जा सकते हैं। और अगर आपकी हाइट 6 फुट या उसके आसपास है तो आप एल साइज के लिए जा सकते हैं। ये साइज आपकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल फिट रहेगा। तो आइए अब इन दोनों टी शर्ट्स को देख लेते हैं। ये जो दोनों टी शर्ट्स हैं, एल साइज और एम साइज, यही दोनों साइज इंडिया में सबसे ज्यादा बिकते हैं। अगर आप इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली टी शर्ट्स का साइज देखें तो वो एम या एल ही मिलेगा। ज्यादातर इंडियंस की हाइट जो है वो 4.5 से लेके 6 के बीच में ही होती है, तो ये जो दो साइज हैं ये सबसे ज्यादा बिकते हैं। तो आइए अब इन दोनों टी शर्ट्स को एक बार एक साथ लगा के इनकी लेंथ का डिफरेंस देख लेते हैं। तो यहां पे मैं इन दोनों को एक साथ पकड़ लेता हूं और अब हम इनकी लेंथ को चेक कर लेते हैं। देखिए ये इनकी लेंथ है, अच्छे से एक बार इसे मैं पकड़ लेता हूं जी। तो आप देखिए इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, हार्डली 1 या 1.5 इंचेस का डिफरेंस होगा। तो एम साइज और एल साइज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेंथ वाइज हिसाब से। आप एल साइज भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आप पे एल साइज ज्यादा सूट करेगा तो आप एल साइज भी ले सकते हैं। एम और एल साइज ऑलमोस्ट सेम है। तो ये थे आज के दोनों साइजेस, हमने अच्छे से देखा, हमने हाइट वाइज सेगमेंटाइज किया कि आप कौन सा साइज ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें ऐसे वीडियोस और बनाने हैं आपके लिए। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको
कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको हमें पूछना है, तो आप हमेशा कमेंट सेक्शन में जाके एक कमेंट लिख सकते हैं और हम आपके क्वेरी को जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। थैंक यू।